2.37 करोड़ छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, शिशु लोन हुआ 2% सस्ता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 2% छूट के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जून 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक मुद्रा स्कीम के तहत शिशु लोन ग्राहकों को ब्याज पर 2% छूट का फायदा मिलेगा और इससे 9.37 करोड़ लोगों को फायदा होगा। गडकरी ने की एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए के गारंटी कवर योजना की शुरुआत। कोरोना संकट के बीच फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है ताकि उनको आर्थिक मदद मिल सके। बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्तीय दबाव झेल रहे 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त कर्ज सुविधा उपलब्ध कराने में गारंटी कवर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। वित्त पोषण योजना उन एमएसएमई की मदद के लिए शुरू की गई है जिन्हें बैंकों ने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी एनपीए की श्रेणी में डाल दिया है। इस योजना को सबऑर्डिनेट डेट फॉर क्राइसिस असेट फंड एमएसएमई योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा। ये कवर ऐसे प्रवर्तकों को उपलब्ध कराया जाएगा जो अपनी कर्ज में फंसी इकाई में इक्विटी के रूप में और निवेश कर सकते हैं और इसके लिए वो बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं। चीनी माल के बहिष्कार के लिए सीआईटी ने अंबानी, टाटा सहित 50 उद्योगपतियों को लिखा लेटर। देश में चीन विरोधी माहौल के बीच चीन के माल के बहिष्कार का अभियान जोर पकड़ रहा है। वहीं खुदरा व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी सीएआईटी ने नेताओं और सेलिब्रिटीज के बाद मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे 50 दिग्गज कारोबारियों को लेटर लिखकर ये मांग की है कि वे बॉयकॉट चीन अभियान का समर्थन करें। आपको बता दें कि कैट ने इसे पहले कई मुख्यमंत्रियों, नेताओं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेट खिलाड़ियों को भी लेटर लिखा था और अब कैट ने मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गोदरेज, अजीज प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला और आनंद महिंद्रा जैसे 50 शीर्ष उद्योगपतियों को लेटर लिखा है। कैट ने जिन उद्योगपतियों को लेटर लिखा है उनमें इंफोसिस के स्थापक नारायण मूर्ति, गौतम अडानी, अजय पिरामल, विक्रम किलोस्कर, सुनील भारती मित्तल, राहुल बजाज, शिव नाडर, पालोनजी मिस्त्री, उदय कोटक, नुसली वाडिया, शशि रुइया, मधुकर पारेख, हर्ष मारीवाल, डॉक्टर सतीश रेड्डी, पंकज पटेल और नीलेश गुप्ता भी शामिल हैं। चीनी उत्पादों के विरोध में सामने आया कल पुर्जा उद्योग। भारत चीन सीमा विवाद के बीच स्वदेशी उत्पादों के समर्थन में एक और सेक्टर सामने आ गया है, देश का वाहन कल पुर्जा उद्योग। सीमा तनाव के बीच चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहा है। करीब 57 अरब डॉलर का वाहन कल पुर्जा उद्योग स्थानीयकरण तथा चीन के आयात से जोखिम को कम करने की पहल कर रहा है। ये जानकारी भारतीय वाहन कल पुर्जा विनिर्माता संघ ने बुधवार को दी। इसके साथ ही घरेलू वाहन उद्योग भी चीनी आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-2019 में भारत ने 17.6 अरब डॉलर के वाहन कल पुर्जा का आयात किया था जिसमें से 27% यानी 4.75 अरब डॉलर का आयात चीन से हुआ था। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को आसानी से पहचान सकेंगे आप, कलर कोड का हो सकता है इस्तेमाल। जल्द ही देशी और स्वदेशी प्रोडक्ट के बीच फर्क करना आसान हो जाएगा। इनके लिए अलग अलग कलर कोडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार इसे जरूरी करने पर विचार कर रही है। बता दें कि ये कोडिंग शाकाहारी और गैर शाकाहारी फूड आइटम्स पर हरे और लाल कलर की कोडिंग के तर्ज पर होगी। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।